पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु का जन्म यहूदियों के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उसका तारा उदित होते देखा, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसका विषय में यह लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर या पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ बालक था उसी जगह के ऊपर पहुँचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लबोना और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें सपन में यह चेतावना मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज्योतिष लोग बुद्धिमान थे, इसलिए वे प्रकृति के रहस्यों को पढ़ सकते थे। जाने अनजाने में ज्योतिषियों ने तारों का अनुसरण किया, ज्योति का अनुसरण किया। तारों का अनुसरण करते करते उन्हें महती ज्योति मिल गई। सुसमाचार में हम देखते हैं कि ज्योतिषियों को तारों का अनुसरण करते करते
बहुत ही लंबी यात्रा करनी पड़ी। वे पूर्व देश से यात्रा करते हुए बेतलेहम आए। बेतलेहम व पूर्व देश एक दूसरे के इतना करीब भी नहीं रहे होंगे। उनको यात्रा करते करते कई दिन गुजर गए होंगे। ज्योतिषियों को यात्रा करने में बहुत कठिनाई हुई। उन्हें नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, नगर, गांव आदि पार करना पड़ा। उन्हें कई संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन उनका लक्ष्य मात्र एक था कि वे नवजात बालक का दर्शन करें। वे गैर यहूदी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा में से नहीं थे। शायद उनका ईश्वर अलग रहा होगा। सुसमाचार से तो यही विदित होता है कि वे नक्षत्र का अध्ययन करने वाले थे, अर्थात वे तारों को ही अपना भाग्य मानते होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ज्योतिषियों यहूदियों के नवजात राजा को दंडवत करने आए थे, लेकिन जब वे घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखकर उसे साष्टांग प्रणाम किया। जो राजा की खोज में आए, चरणी में उन्होंने किसको पाया? ज्योतिषियों ईश्वर की खोज में थे, परंतु ईश्वर ज्योतिषियों की खोज में थे। यही ईश्वर का रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम ईश्वर की खोज में हैं और हम उसे जानना चाहते हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, हम उसे समझना चाहते हैं, परंतु यह ईश्वरी है जो स्वयं को हमारा सामने प्रकट करेगा। क्रिसमस पूरी तरह से ईश्वर द्वारा कोई हुई मानवता की खोज के बारे में है। जब उन्हें यीशु मिल गया तो उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने आप को समर्पित किए। उन्होंने यीशु को राजा से बढ़कर ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने यीशु राजा के लिए सोना, यीशु ईश्वर के पुत्र के लिए लोबन और यीशु जो मानव रूपी के लिए गंधरस की भेंट चढ़ाई। एक बार जब उनका यीशु से सामना हुआ तो उनका जीवन भी हमेशा के लिए बदल गया। इसलिए वे दूसरे रास्ता में अपने देश चले गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे ज्योतिषों के समान अनेक हैं जो तलाश में रहते हैं। कुछ लोग मृत्यु की तलाश में हैं क्योंकि जीवन कठिन है। कुछ लोग स्वास्थ्य की तलाश में हैं। कुछ तो सिर्फ एक वक्त के भोजन की तलाश में हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो सुन सके। कुछ ऐसा भी है जो अपने मृत प्रियजनों की तलाश में है। कुछ ऐसा भी है जो शांति की तलाश में है क्योंकि वे युद्ध नहीं चाहते। ऐसा लोग है जो ज्ञान की खोज में है। हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है, लेकिन सवाल यह है कि आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? ज्योतिषियों ने तारे का अनुसरण किया, आप किसके तलाश में हैं? तीन ज्योतिषियों को याद रखें। जो राजा की तलाश में आए उसे ईश्वर मिला, जो तारा के अनुसरण किया उसे तारों का सृष्टिकर्ता मिल गया, जो दंडवत करने आए वे उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ईश्वर आपके तलाश में है। बस प्रकृति और पवित्र बाइबल से सीखने की जरूरत है।
प्रभु की तलाश में जाइए। जब आप क्रिसमस की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप से पूछिए कि आप चरनी में किसे खोज रहे हैं। ज्योतिषियों को ईश्वर मिला, आप चरनी में किसको पाओगे? आइए हम योग्य रीति से क्रिसमस के लिए तैयारी करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।